जय माता दी। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे। एंड गाइस, आज है नवरात्रि का पांचवा दिन, यानी कि माँ स्कंद माता का दिन, जो कि माँ पार्वती के ही रूप में है, उनका ही अवतार है, जिनके हाथ में जो कार्तिकेय स्वामी भी होते हैं साथ में, उसको बोलते हैं स्कंद माता। स्कंद यानी कार्तिकेय जी, उनकी माता माँ पार्वती। तो यहाँ पे कैलाश में आप देख ही सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे देवता है और भी, और गणपति बप्पा है साथ में, रिद्धि सिद्धि माँ भी है और मूषक राज जी भी है। भाई गणपति बप्पा होते वहाँ पे, मूषक राज जी कैसे नहीं होंगे। ठीक है, मूषक राज भी है और मूषक राज जी के पीछे भी एक कथा है। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण भी है और आपको साथ ही में दर्शन होंगे त्रिदेव के एक ही साथ, यानी कि ब्रह्मा जी भी होंगे, त्रिदेव है तो, और माँ सरस्वती भी है, और साथ ही में गणपति बप्पा के बड़े भाई यानी कि कार्तिकेय स्वामी, जो जिसकी ये कथा है स्कंद माता। और ये जो रूप है ये माँ का भक्तों के लिए बहुत ही फलदायी है, और ये रूप माता का जो बच्चे के प्रति है ना, ये प्रेम दर्शाती है माँ का। और यहाँ पे देखिए माँ पार्वती वो रूप धारण करने के लिए, यहाँ से देखिए भोलेनाथ जी तो भाई यहाँ पे अकेले आ गए इस तरफ, अभी कार्तिकेय स्वामी भी, तो ये रूप माँ का एंड कार्तिकेय स्वामी साथ में आपको दर्शन होंगे। तो चलिए दर्शन करते हैं माँ स्कंद माता के नवरात्रि डे 5 एड ऑन है बाय MS गेमिंग। डू सब्सक्राइब टू हिज चैनल एज वेल। तो यहाँ पे आप रूप देख सकते हो जो कि चतुर्भुज रूप है। ठीक है, शेर के ऊपर माँ की सवारी है और एक हाथ है वो बालक को जो है प्रोटेक्शन दे रहा है, जो उनकी गोद में बैठा है, एक हाथ है आशीर्वाद दे रहा है माँ का और बाकी के दो हाथ है, तो टोटल चार हाथ है, चतुर्भुज रूप है माँ का। और यहाँ पे एक अगर ये मैं बोलूँ देन बहुत ही अच्छा बनाया है ये एड ऑन, और इसमें जो एनिमेशन है ठीक है गजब है। वेल एक मिस्टेक है छोटी सी, जो कि कार्तिकेय स्वामी के 6 सिर होते हैं, यहाँ पे 5 सिर ही बना है स्कंद माता जो एड ऑन है, जो छोटा बच्चा है कार्तिकेय स्वामी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये चीज़ जस्ट इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और बहुत ही सुंदर बना है। वेल बाकी तो और कुछ उसमें दिक्कत नहीं है, आई गेस परफेक्ट है एकदम, एंड बहुत ही सुंदर एनिमेशन है। चतुर्भुज रूप है, शेर पे सवारी है माँ की यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया एड ऑन। वेल नवदुर्गा माँ की ये 5वें दिन की कथा है, जो प्रागट है माँ का शिशु के साथ, यहाँ पे देख सकते हो उनके प्रति जो प्रेम है, यानी कि हमारी माँ है और माँ का एक बच्चे के प्रति, उनके बच्चे के प्रति बहुत प्रेम रहता है। तो यस गाइस, जो लोग भी चैनल पर नए हो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा देना एंड वीडियोस की नोटिफिकेशन कीजिए ऑल पे सेट। वेल गाइस, ये है कथा स्कंद माता की, एंड ये जो रूप है अति सुंदर है, और इसीलिए शिव परिवार जो है ना ये अनोखा है। भाई शिव परिवार में आप देख लो, शिव जी है जिनके गले में सर्प है, सर्प को 36 कांकड़ा है चूहे से, जो कि मूषक राज, और साथ में बताऊं तो नंदी जी को और शेर को भी कुछ लगता नहीं है भाई, तो इनका भी 36 कांकड़ा है, तो कुल मिला के यू नो सब मिलजुल के रहते हैं, एंड शिव परिवार सबसे अनोखा परिवार, एंड ये कथा है माँ स्कंद माता की। तो यस गाइज, डू लाइक एंड शेयर एज वेल। होप सो गाइज, आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी, माँ स्कंद माता की कथा भी समझ आई होगी। जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, मिलेंगे गाइज डे 6 की कथा के साथ, स्वरूप के साथ। ठीक है, जय माता दी, जय माँ स्कंद माता।